जब हमारी छत बढ़िया हो जाएगी एकदम। ईटियाँ हटा के नेक्स्ट व्लॉग आपको ज़रूर देखना है। बाकी वो देखो रोटी खा रहे हैं अपने कबूतर, कैसे मैंने पानी में रखी हुई थी रोटी। तो ये अपना कुछ कबूतरों का सीन चल रहा है, बाकी जो भी होता है अभी आज अपने सेटअप पर हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो गाइस फाइनली अभी एक बाहर का कबूतर आकर बैठ चुका है सफ़ेद, तो इसको पकड़ने की ट्राई करते हैं। अभी पानी वगैरह दिखाते हैं, पानी वगैरह दिखाओ इसे। चेप लेकर आता हूँ अभी मैं। तो गाइस अभी चेप की तो तैयारी हो रही है, देखते हैं यार पकड़ा जाता है नहीं। काफ़ी दिनों के बाद गाइस कोई कबूतर आकर जो है बैठा है, तो हम दाना वाना डाल रहे हैं, हम देखते हैं। जुनैद भाई जा तो रहे हैं चेप मारने इसके। आह आह आओ, ये बैठा बाहर का कबूतर, चौंक रहा है चौंक रहा है चौंक रहा है। आह आह, तो देखते हैं भाई आता है नहीं। एक आधा कबूतर बिठाऊँ इसके द्वारा, अभी जब ये थोड़ा सा व्यस्त होगा ये हरा कबूतर हम बिठा देते हैं। रुक जा रुक जा रुका, एक सेकंड हम रुकते हैं फिर कबूतर बिठाते हैं। ये चेप जा रहा है इसके धोरे, रुक जाओ एक सेकंड। आह आह आह, रुक जाओ ये चेप थोड़ा ऐसा ही है, कभी ना लगे। चेप लग तो गई है यार, देखते हैं सीख। ये उड़ गया कबूतर, ऐसा ही है चेप। कबूतर बिठाओ इसको, दाना वाना दिखाओ जब ही आ सकता है कबूतर। फंदा मारो जिन्हें दे भाई, इसके लग ही नहीं रहे, जब चेप पूरा लग गया था इसके चेप। तो दोबारा जा रहे हैं। आह 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 आह, ये बैठा भाई बाहर का कबूतर। ऐसी करो नीचे उतरेगा। ये गिर गया, अरे यार चेप लग गया था इसके। तो ये आ चुका है और मैं इसको यहीं से पकड़ता हूँ, इसके चेप लग चुका था। तो गाइस आ गया कबूतर हाथ में, लाइफ पकड़ लिया गाइस आपके सामने कबूतर। कबूतर पकड़ा गया, चेप इसके अच्छा लग चुका था, देखा आप सही भाई ने। चेप ही बुरा लग रहा। तो काफ़ी टाइम के बाद यार कोई बाहर का कबूतर आया और आपके सामने लाइफ ही हमने पकड़ा। तो इसको छुटाते हैं, तेल वेल लगाते हैं इसके, फिर आपके साथ कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले यार हम इसको जाल में डाल देते हैं, इतना हम चेप लाए। ये कबूतर लो, तो पहले पकड़ो, मैं इसके तेल लाता हूँ फिर इसको छुटाते हैं। तो गाइस ये देखो अब ये छुट रहा है इस पे से, जो हमने अभी चेप मारा था। तो फाइनली गाइस पट्ठा पकड़ लिया है जुनैद भाई ने और वो जा चुके हैं अपना, याद कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं वो। तो मैं यार आपको इसका शौक करा रहा हूँ, ये देखो ये है पूरा पट्ठा, इसकी स्टैंडिंग। और गाइस मैंने आपसे व्लॉग के शुरू में ही बोला था अगर कोई एक नया कबूतर आता है तो हम आपको दिखाएंगे। तो यार एक कबूतर बास के काफ़ी कबूतर उड़ रहे थे, ये उससे हमारी लेन देन बंद है। तो ये बच्चा यार ऊपर से भी गिर रहा था, फिर ये नीचे आकर फिर हमारी छत पर बैठा है। इतना मैं अपना फ़ोन लेकर आया, तो ये है बच्चा और गादली आँख में है, और एक इसके पर पे इधरली साइड पे हरा कलर लगा हुआ है। ये है पट्ठा, चेक कर लो। तो ये दूसरे के खाने में बढ़ रहा है, तो जुनैद भाई ने मना करा है कि अभी यार इसके पर नहीं बांधने, क्योंकि हमने जो चेप छुटाने के लिए ऑयल लगाया था उससे टेप छूट जाता है। तो हम इसके पर बांधेंगे एक दो घंटे में, फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में बिल्कुल प्रॉपरली इसका शौक कराएँगे। तो ये है जो कि हमने अभी बच्चा पकड़ा है। गाइस वैसे तो काफ़ी ज़्यादा सीज़न चल रहे हैं और कबूतर वबूतर आएंगे, तो देखते हैं यार अब कितने कबूतर पकड़े जाते हैं। तो सोच लो कबूतर ये भी हमारी छत पर नहीं बैठता, बट एक दो कबूतर अचानक से मुझे मिल गए पैरों में। ये जैसे कि लाल कबूतरी थी एक, वो वहाँ पर अभी चुग रही है, तो उसने भी हल्की हल्की सी भड़की मार दी, तो ये आकर अड्डे पर बैठ चुका था। और वो देखो जोड़ा अपना कहाँ जाकर बैठ चुका है, इस वजह से यार भड़की भी नहीं लगती है। तो गाइस ये था हमारा व्लॉग, उम्मीद करता हूँ यार आपको पसंद आया ही होगा, और अगर यार पसंद आया ही हो तो प्लीज़ यार एक लाइक ज़रूर कर देना। और अगर हमारे चैनल पर नए हो और ऐसी वीडियो यार देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।